सवात के हलका PK7 में ज़िमनी इंतखाब का मैदान सज गया। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। PTI के उम्मीदवार हाजी फजल मौला और ANP के उम्मीदवार हुसैन उर्फ खान नवाब में कांटे का मुकाबला होने का इम्कान है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद अनवर शाह मौजूद हैं एक पोलिंग स्टेशन के बाहर, उनसे जानते हैं क्या तफसीलात हैं। जी अनवर बताइएगा। अवामी नेशनल पार्टी के हुसैन अहमद उर्फ खान नवाब, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाजी फजल मौला और तहरीक इनकलाब के दौलत खान, जबकि एक आज़ाद उम्मीदवार जो है मोहम्मद अली शाह, वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस हलके में टोटल रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 182,802 है, जिसमें 102,000 मर्द वोटर जो है वो रजिस्टर है, जबकि 80,000 से ज़ायद जो है वो ख़वातीन वोटर रजिस्टर है। इस हलके में 124 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें 30 मर्दों के जबकि 28 ख़वातीन के और 66 पोलिंग स्टेशन जो है वो कम्बाइंड है। ये नशस्त जो है ये ANP के वक़ार के अचानक फौजगी के बाद खाली हो गई थी, जिसके बाद इस पर इलेक्शन का ऐलान किया गया था। इस वक्त हमारे साथ एक वोटर है, उनसे बात करते हैं कि इस इलाके में क्या क्या मसाइल है और उस किस अज़म से इस इलेक्शन में अपना वोट डालने के लिए आए हैं। और आपने मसाइल की बात की तो मेरे ख्याल में मसाइल जो है वो काफ़ी हद तक PTI गवर्नमेंट ने जो हल की है, इसमें मुराद सईद साहब का बहुत बड़ा। देखने वालों का आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।